मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नागपंचमी के मौके पर नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सावधान रहो। दरअसल दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचे थे, जहां कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। नाग की पूजा करो, लेकिन आस्तीन के सांपों से सचेत रहो। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में शहर से होकर गुजरने वाले हाईवे पर गड्ढों के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है, और इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर गड्ढों में बैठक कर सड़कों की बदहाल स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। युवाओं की जो स्थिति है वो इन गड्ढों जैसी कर दी गई है सरकार द्वारा, तो हम सरकार से यही 10 गड्ढों का सवाल पूछ रहे हैं, जो उनने चुनाव के लड़ते समय जो वादे किए थे। आज नरसिंह घोटाला एक इतना बड़ा गड्ढा है मध्य प्रदेश के मुंह पे, जिसका मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं कहीं भी। परसों धार में एक युवा ने आत्महत्या कर ली, जो नरसिंह का छात्र था, उस पे सवाल कर रहे हैं हम। ये गड्ढे भारतीय जनता पार्टी कब भरेगी, कब रोजगार की बात होगी, कब युवाओं को शिक्षा की बात होगी, और सिर्फ इनके वादे और जुमले रह जाएंगे कि गारंटी पे कुछ काम भी होगा। देखिए, शहर की हालत बहुत बुरी हो रही है। हम आपको आपके माध्यम से सरकार को ये गड्ढों का साइज बताना चाह रहे हैं। इसके अंदर जब भी कोई गाड़ी घुसती है, पीछे वाला अधिकतर पिलन जो राइडर रहता है वो गिरने की कगार पे आ जाता है। और क्योंकि गड्ढों का इतना विषय हमेशा से चलते आया है, और इनने बोला था कि हमारी सरकार ऐसा करेगी वैसा करेगी, पर आज आप देख लीजिए, सरकार बने हुए 1.5 साल होने आ रहा है और गड्ढों की हालत और बढ़ती जा रही है। पूरे शहर के रोड और खराब होते जा रहे हैं, सिर्फ झूठे वादे फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है। और अगर ये गड्ढे नहीं भरे जल्दी से, तो कोई बड़ी दुर्घटना की आशंका है। उसी को चेताते हुए हम आज गड्ढों में बैठ के उनको गड्ढों का साइज बताना चाह रहे हैं।